पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में आज मैथ्यू आर मैसी को महानगर समाजवादी पार्टी का सचिव मनोनीत किया गया। इस दौरान चक्कर की मलक स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इकट्ठा हुए समाजवादी समर्थकों का महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मैथ्यूज आर मैसी को समाजवादी पार्टी महानगर मुरादाबाद का सचिव नामित किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं का भी जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर शानी अली शानू ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी को आगे पहुंचाने में काम कर रहे हैं, उससे साफ है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आगामी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। तो वहीं मैथ्यूज आर मैसी महानगर सचिव ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में काम किया था, 2022 की सरकार भी समाजवादी पार्टी ही बनाने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता अब त्रस्त आ चुकी है। हमारी मेन तैयारी है अपने बूथ मजबूत करने की और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की, क्योंकि युवा ही पार्टी को जो है मजबूत करते हैं और बूथ भी युवाओं से ही मजबूत होता है। और क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा बीजेपी की नीतियों से और महंगाई से परेशान है और समाजवादी पार्टी की सरकार लाना ही हमारा मेन मकसद है। अच्छा, और कितने लोगों को पदों से नवाजा गया है और कितने साथी हैं आपके साथ? आज जो है केवल मेरा मनोनयन हुआ है और क्योंकि हम काफ़ी समय से पार्टी से जुड़े हुए थे और हमारे महानगर अध्यक्ष माननीय शानी अली शानू जी के आग्रह पर उन्होंने हमारे कार्य को और हमारी क्षमताओं को समझते हुए उन्होंने इस पद से आज मुझे नवाजा है। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, महानगर अध्यक्ष जी के लिए? महानगर अध्यक्ष जो है एक हमारे यूथ आइकन है, पूरे महानगर में उनका बहुत मतलब दिलों पर मतलब युवाओं के राज करते हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी मेहनत और उनकी सारी क्षमताओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रति उनको देखते हुए हम भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनके साथ कार्य करने की हमारी बहुत ही दिली इच्छा थी, इसलिए आज हम उनके साथ जुड़े हैं अपने साथियों के साथ। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत पुराने साथी मैथ्यूज आर मैसी साहब को हमने महानगर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है और उनसे हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों के अंतर्गत वो पार्टी का काम करेंगे और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। दूसरा, साहिल सैफी साहब को जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा और मोबिन साहब को जिला सचिव अल्पसंख्यक सभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन लोगों से कहा गया है कि आप अपने अपने बूथ पर मजबूती से काम करें और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।